हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और यूपी पीसीएस 2019 मेंस के लिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जीएस वन में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, किसी भी लीडर पे एक क्वेश्चन आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस इस बार सुभाष चंद्र बोस या हमारे पीएम फर्स्ट पीएम नेहरू जी के ऊपर आए, या सुभाष चंद्र बोस या उनका INA में कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाए। देखिए, वर्ल्ड वॉर 1 है ना, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 है ना, लीग ऑफ नेशन और रशियन रिवॉल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री की तरफ से। अगर ज्योग्राफी की बात करें, देखिए लास्ट टाइम वर्बेटिम आ गया था, बिल्कुल सिलेबस से ही क्वेश्चन आ गया था। तो इस बार हो सकता है साइक्लोन है ना, विंड या ग्लेशियर पे एक क्वेश्चन आ सकता है। साइक्लोन में वो हो सकता है आपको ट्रॉपिकल और टेम्परेट में कंपैरिजन पूछ लें है ना, और ये पूछ लें कि भाई हमें ट्रॉपिकल से ज़्यादा नुकसान क्यों होता है ना, इससे कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा ओशियनिक रिसोर्सेज या इंडियन ओशियन हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, उसमें पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स वगैरह जो मिलते हैं, और नेविगेशन के पर्पज़ से है ना, और भी कई कारण हैं। इस पर एक वीडियो हो रखा है हम लोग का, ओशियनिक रिसोर्स पर एक क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि सिलेबस में एज इट इज़ मैंशनड है। इसके अलावा रीजनलिज्म में ये पूछा जा सकता है आपसे कि कई स्टेट ने ये अपने यहाँ नोटिफिकेशन निकाला कि उनके यहाँ की जॉब्स केवल उन्हीं के यहाँ के स्टूडेंट्स को मिलेगी, तो रीजनलिज्म कितना खतरनाक है हमारे इंडियन नेशन के लिए। इसके अलावा रीजनलिज्म के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स ये आप तैयार कर लें, और ये भी वो यूपी में पूछ सकते हैं, यूपी का डिवीज़न जो है 4 डिफरेंट स्टेट्स में। इसके अलावा एक सीधे सीधे टॉपिक है, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री है ना, जहाँ पे आपको लेबर मिल जाए, कैपिटल हो जहाँ पे है ना, और कौन कौन से फैक्टर हैं, ज्योग्राफी है ना, मार्केट है ना, टेक्नोलॉजी, ये सब जो जो फैक्टर हैं जो इंडस्ट्री के लोकेशन को डिपेंड, इंडस्ट्री का लोकेशन जो जिस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। देखिए, लास्ट टाइम ग्लोबलाइजेशन पर काफ़ी फोकस था, तो इस बार हो सकता है कि पोस्ट 1990 जो हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन जो हमने रिफॉर्म किए, उसका क्या इफेक्ट हुआ हमारी इकॉनमी पे, सोसाइटी पे और पॉलिटी पे। देखिए, स्मार्ट सिटीज़ मिशन को 5 साल हो गए हैं, तो एक क्वेश्चन स्मार्ट सिटीज़ पे आ सकता है, वो हो सकता है उसे कोरिलेट कर लें, स्मार्ट विलेजेस के बिना स्मार्ट सिटी पॉसिबल नहीं है, या हमारे अर्बनाइजेशन काफ़ी परसेंटेज की बात करें तो काफ़ी लो है यूपी में, तो इस पर एक क्वेश्चन बन सकता है स्मार्ट सिटीज़ के ऊपर, स्मार्ट सिटीज़ मिशन कितना सक्सेसफुल हुआ और यूपी में कौन कौन से स्मार्ट सिटी बन रही हैं और स्मार्ट सिटीज़ से आप क्या समझते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा एक वर्ल्ड हिस्ट्री से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पूछ सकते हैं कि भैया इंग्लैंड में ही क्यों हुआ, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को इंडिया के प्रेजेंट में इंडिया में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की ज़रूरत है कि नहीं है, जो IR 4.0 है या 5.0 है, उससे क्या आप समझते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन आर्किटेक्चर पे, लेकिन चांसेस कम है कि मुगल आर्किटेक्चर पूछे, लेकिन हाँ वो आर्किटेक्चर पूछ सकते हैं। इसके अलावा वो मथुरा आर्ट और गांधार आर्ट में कंपैरिजन भी पूछ सकते हैं, अगर आर्ट एंड कल्चर की बात की जाए। देखिए, रिफ्यूजीज प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इंडिया ने जैसे रिफ्यूजी कन्वेंशन साइन नहीं किया है तो इंडिया को, लेकिन मोरल तो हमारे ऊपर वो है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मान लीजिए अगर कुछ भी होता है, जैसे क्लाइमेट रिफ्यूजीज ही हो गए, अगर बांग्लादेश में मान लीजिए बाढ़ वगैरह आ जाए या हमारे नेबरिंग कंट्रीज में कुछ भी आ जाए, तो ज़्यादातर रिफ्यूजीज क्या इंडिया की तरफ प्लान करते हैं, तो वो इंडिया के रेफरेंस में और वर्ल्ड के रेफरेंस में आपको रिफ्यूजीज से क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। अभी आपने देखा था कि स्वीडन में भी है ना थोड़ा राइट टाइप हो गया था, तो रिफ्यूजी प्रॉब्लम ही है वो। देखते रोल ऑफ वुमेन और वुमेन ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है, ये रोल किस में, इंडिया के इंडिपेंडेंस में, इंडिया के डेवलपमेंट में है ना, इंडिया के सोसाइटल डेवलपमेंट में, इंडिया के पॉलिटिकल डेवलपमेंट में, सब में आ जाएगा वुमेन और वुमेन ऑर्गेनाइजेशन का, या वुमेन ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड जो NGOs हैं जो काम कर रही हैं उनका क्या रोल रहा है वुमेन एम्पावरमेंट में। इसके अलावा देखिए, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इशू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें एक ना एक क्वेश्चन आना ही आना है पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इशू पे। इसमें आप कुछ भी पूछ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं कि पॉवर्टी कैसे डिफाइन की जाती है, हमारे कितनी पॉवर्टी लाइन बनाने का क्या तरीका है, इसके अलावा क्या डेवलपमेंट और पॉवर्टी के बीच क्या रिलेशन है, इवन इसमें हंगर को भी वो कोट कर सकते हैं है ना। इसके अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट है या कोविड सिचुएशन आ गई, उससे पॉवर्टी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है ना, जो हमारे लोग कई तरह के पुअर होते हैं, जैसे क्रोनिक पुअर हो गया है ना, और कुछ पुअर होते हैं जो ट्रांजिशन करते रहते हैं, कभी पुअर होंगे, कभी मान लीजिए वो BPL के ऊपर आ जाएंगे, पॉवर्टी लाइन है, तो कभी इसके ऊपर कभी नीचे है ना, इस टाइप वो टाइप्स ऑफ पुअर पूछ लेंगे है ना, या कौन कौन सी कमिटीज़ बनी है ना, और यूपी गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसीज चला रही हैं पॉवर्टी एडिकेशन के लिए, ये सब।
इसके अलावा एक क्वेश्चन सेकुलरिज्म एंड कम्युनलिज्म पे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू मीन अंडरस्टैंड बाय इंडियन सेकुलरिज्म, है ना, और कम्युनलिज्म से हमें कितना खतरा है ना, हमारे प्रदेश को, हमारे देश को, ठीक है, सदाबहार टॉपिक है। इसके अलावा यूपी स्पेसिफिक में वो हमारे यहाँ के हेरिटेज है ना, हमारे यहाँ के इरीगेशन प्रोग्राम यूपी के, है ना, यूपी के फोक डांस या यूपी के लिटरेचर या ब्रजभाषा हो गई, भोजपुरी हो गई, है ना, ये सब वो पूछ सकते हैं। रीजन ऑफ यूपी इन फोर स्टेट हमने देख लिया था, बुंदेलखंड, अवध प्रदेश, हरित प्रदेश और पूर्वांचल। इसके अलावा आत्मनिर्भर यूपी जो पैकेज है ना, पोस्ट कोविड, है ना, यूपी में क्या डेवलपमेंट हो रहा है और यूपी मतलब कैसे टैकल कर रहा है, स्किल मैपिंग कर रहा है, जो भी कर रहा है यूपी, वो बेरोजगार को कैसे रोजगार देने का हमारे यहाँ प्रावधान है, ये सारे तरीके हैं जितने भी माइग्रेंट लेबर्स आए हैं उनको। इसके अलावा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है यूपी गवर्नमेंट की, इस पे भी एक क्वेश्चन आ सकता है, अगर ये इस पे क्वेश्चन नहीं आता है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर में। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, मतलब क्या इसका मेन रोल है, क्या इसके फंक्शन है, कैसे ये फंक्शन करता है, कैसे हमारे यहाँ हर चीज़ जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है, कैसे आपने कई मॉन्यूमेंट देखे होंगे, है ना, वो वहाँ लिखा रहता है प्रोटेक्टेड बाई ASI, है ना, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आ सकता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे GS2 में क्या क्या इंपॉर्टेंट, ये हमने देख के GS1 में हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ नहीं तो आपको 50% पेपर में इससे ही अराउंड ही आपको चीज़ें मिलेंगी। चलिए, ओके, धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा।